अभी पीछे है बैंक, मुझे वहाँ पर जाना है, चेक को जमा करना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं हूं जदोमुनि, आप सभी का स्वागत करता हूं आप लोगों का यूट्यूब चैनल जयसेना ब्लॉग में। सुबह सुबह मैंने अभी शोर को खाना दे दिया, शोर अभी खाना खा रहा है फिलहाल। सो मुझे अभी जाना है वीडियो को अपलोड करने के लिए। सो पीछे देखिए, मैं अभी फिलहाल हूँ रोड पे, बाइक यहाँ पे मैंने पार्क कर दिया और पीछे भाई है और हम दोनों आया हूँ यहाँ पे। और मैं अभी पोकी रोड पर बैठा हुआ हूँ और पीछे पीछे तो आप लोग देखिए पूरा कोहरा कोहरा गिर रहा है। लगभग मैंने सभी कुछ काम कर दिया, डिस्क्रिप्शन लिख लिया, टाइटल लिख लिया, हैशटैग लगा लिया, थंबनेल भी लगा लिया मैंने और टेक्स्ट भी लिख लिया, सभी कुछ ए टू जेड मैंने सभी कुछ काम कर दिया। आप लोग वीडियो देख लीजिए और कुछ समय के बाद उसको मैं पब्लिक कर दूँगा। और फिलहाल और 9 मिनट बाकी है। चलिए यार, कुछ खराबी हुआ तो आप लोग जरूर कमेंट करना, मैं दूसरा वीडियो में इसको कोशिश करूँगा ठीक करने के लिए। मैं बहुत ऊपर उठ गया हूँ और देखिए ज़्यादा ऊपर जाऊँगा तो मैं पूरा आसमान छुपाऊँगा, लेकिन ऊपर नहीं जाऊँगा। और मेरा ऊपर, मैं ऊपर उठ रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार, सच में बोल रहा हूँ। मुझे थोड़ा बहुत भीतर भीतर डर लगता है। अभी मैं बना रहा हूँ वीडियो, हंस हंस के बना रहा हूँ, लेकिन भीतर भीतर मेरा बहुत डर लग रहा है। पूरा पेड़ हिलता है और नीचे देखता हूँ मेरा सर घूम जाता है। नीचे देखिए आप लोग, जो मैं ये काम कर रहा हूँ सिर्फ मैं पैसा के लिए कर रहा हूँ यार। ये जो भी मैं अभी कर रहा हूँ, पेड़ में उठ रहा हूँ, ये बहुत रिस्क वाला काम है। जो कुछ भगवान ना करे, मतलब गॉड ना करे तो कुछ हो गया तो मैं पूरा ख़त्म, सच में बोल रहा हूँ यार। जो सिर्फ मैं पैसों की वजह से ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ, कोई मुझे ये काम करने के लिए मुझे मज़ा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, पैसों के लिए कर रहा हूँ। पैसा यार बहुत सही यार, पैसों के बिना कुछ नहीं होता है यार। अभी भाई दोनों के लिए अभी मैं साई लेके आया हूँ, अभी हम कटेंगे बाल। चलिए घर जाता हूँ। अभी मेरा हाथ में देखिए ये पैसा, ये दो रुपया, ये देखिए मैं एक ब्लेड खरीदूँगा और थोड़ा बहुत ये जो किनारे किनारे है ना, ये सभी कुछ काटने के लिए। दाढ़ी तो मैं कैसे से काटूँगा, बियर तो अभी देखिए, मतलब ब्लेड दुकान से ले लेता हूँ और घर में जाके पूरा। अभी देखिए पोजीशन ऐसा है बाल का, तो सभी कुछ मैं उड़ा दूँगा, छोटा छोटा करूँगा। अभी गर्मी आ गया है, मेरा हाथ में देखिए अभी ब्लेड मुझे मिल गया। इन छोटी सी ब्लेड का मुझे देना पड़ा यार 2 रुपया। सो फिलहाल तो मिल गया, अभी घर जा रहा हूँ। चलिए, सो हाफ लीटर वाला मैंने पेट्रोल भर लिया, अभी मुझे जल्दी जाना है यार। और बाइक ने थोड़ा बहुत डिस्टर्ब दे रहा है, सो फिलहाल तो हमने पेट्रोल थोड़ा बहुत भर के लेके था और फिर थोड़ा बहुत भर लेता हूँ, थोड़ा कम पड़ जाएगा। हम इतने भागा के आए था और हालत है ऐसा। वो यहाँ पर ट्रेन गिरा था, मतलब ट्रेन नहीं, ट्रेन जा रहा था, रेल लाइन है फॉरिंग जंक्शन में। फिलहाल हम पहुँच गए हूँ, आ तो गया, लेकिन ऑफिसर लोग है या नहीं नहीं पता यार। यही है गुलाहट डिस्ट्रिक्ट का जो इलेक्ट्रिसिटी वाला ऑफिस। सो फिलहाल तो वो जो जिस सर से मैंने को जो काम किया था वो फिलहाल सर नहीं है, जो आज कल वो सीएम आएगा, आसाम का सीएम, जो उसका नाम है सीमंत विश्व शर्मा, वो फोकटिंग में आएगा। सो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी वाला काम वहाँ पे है, वो काम करने के लिए वहाँ पे वो गया हुआ है। सो वो फिलहाल कुछ समय के बाद आएगा बोल रहा है, सो मैं उनसे वो काम करके जाऊँगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे रुकूँगा, अभी रुकना पड़ेगा वो आने तक। चले थोड़ा बहुत बैठ जाता हूँ। ये देखिए ये मीटर बॉक्स का मुझे वो किलोवाट का चेक करना पड़ा, मतलब कितना कुछ है कितना नहीं। सो यहाँ पे आके मैंने टेस्ट कर लिया, अभी ये देखिए इतना कुछ मैंने चला लिया और थोड़ा बहुत टूटा, लेकिन चेक करने के बाद इतना कुछ मिला। सो वहाँ पे जाऊँगा और डॉक्यूमेंट्स को दिखा दूँगा, बाद में कितना कुछ होगा सभी कुछ आप लोग को दिखाऊँगा। अभी मुझे SDO सर के पास जाना है, सिग्नेचर करना है, सो कर लूँगा। अभी मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, सो स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे होंगे, यही है डॉक्यूमेंट्स, इसको मुझे सिग्नेचर मारना है SDO सर का।
चलिए वो भी कर लूँगा, आप लोगों को दिखाऊंगा जो भी कुछ होगा सब। यहाँ पे मेरा जो भी कुछ काम है सभी कुछ काम हो गया है, सो आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होगा। सो मुझे थोड़ा बहुत एक्सेक मिल गया है, सो मुझे बैंक में जाके उसको क्या करना पड़ेगा, चेक को डालना पड़ेगा, तो मुझे कुछ पैसा रिटर्न मिलेगा। मैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से आ गया और वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में 2453 रुपया मैंने दिया था और मुझे रिटर्न मिला 400 कितना। सो आप लोग स्क्रीन में देख लीजिए, अभी पीछे है बैंक, मुझे वहाँ पर जाना है, चेक को जमा करना है। सो कल परसों मुझे पैसा मिल जाएगा, चलिए बैंक में जाता हूँ और चेक को जमा कर देता हूँ। मेरा जितना कुछ काम था मैंने सभी कुछ कर लिया, अभी घर जाने वाला हूँ। सो पहले मुझे छोड़ना पड़ेगा किसी, देखिए भाई इसको मुझे पहले घर छोड़ना पड़ेगा, बाद में फिर जाऊंगा घर में। सो अभी टाइम हुआ 3:29 PM, मौसा का घर जाऊंगा इसको छोड़ने के लिए। तो इसका घर में जाके मैं खाना बना खा के सीधा जाऊंगा घर में। सो मुझे घर में कुछ काम है, वो जो 5 महीने आज तोड़ा ना उसको गुची गुची करना है, एक गुची इसको ऐसा करना है। सो बाद में उसको मैं एक मुठा करके बांधूंगा। सो आप लोग को आज कुछ दिखाऊँगा मैं दिखा सकता हूँ, तो घर में ऐसा लाइट नहीं है आप लोग को कुछ दिखाने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को कुछ सीन दिखाऊँगा। चलिए अभी यहाँ से जाता हूँ, चलिए यार यहाँ से कुछ खा लेता हूँ। Where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all alone. Even though it's been unspoken so long. I'm only waiting for you. दोनों भाई हमने समोसा खा लिया और कुछ समोसा हमने ले लिया मौसा का घर के लिए। चलिए ऊपर का बाल पूरा बिखर के पड़ा हुआ है, चलिए अभी मौसा का घर पहुंच गए हूँ। अभी हम यहाँ पे खाना खाऊंगा और सीधा जाऊंगा घर में। अभी अभी मौसा का घर में खाना बना खा लिया, अभी तमुल ऐसा खा लिया, नहीं तो मुँह को ऐसा ख़राब लगता है। सो अभी जाऊँगा यार घर में और मौसा और मौसी खाना खा रहे हैं, एक मौसा बैठा हुआ है, चलिए उन लोग को बोलते रहूँ मैं जाऊँगा ऐसा। अभी टाइम हुआ है 4:14, सो मुझे घर 20 मिनट में पहुँच जाऊँगा घर में, धीरे धीरे जाऊँगा, इतना भी तेज नहीं जाऊँगा। चलिए घर जाता हूँ और रोड में वीडियो नहीं बनाऊँगा, सीधा बनाऊँगा घर में। चलिए फिलहाल मैं पहुँच गया हूँ घर पर पहुँच गया हूँ, लेकिन रोड पर हूँ अभी और गेट के अंदर जाऊँगा तो घर पहुँच जाऊँगा। सो फिलहाल तो मैं घर पहुँच गया हूँ और अभी मुझे काटना है केला का पत्ता और पान को बांधने के लिए। चलिए सो ये देखिए मैंने कितना सारा कुछ पान गुसी गुसी कर लिया, लगभग यहाँ पे 100 गुसी ऐसा हो जाएगा। सो और थोड़ा बहुत बाकी है और भीतर में भी थोड़ा बहुत पान है, अभी तक मैंने वो नहीं झुकिया है और ये मैंने झुकिया लिया। Show me your love, cause I'm gonna be certain. We don't have to be lonely, we don't have to be hurting, cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. So upset, I'm waiting till it's too. So आप लोग ये देखिए किचन में मतलब पानों को गुसी गुसी करके यहाँ पे जमा करके रखा हुआ है, देखिए किस तरीके से ऊपर नीचे करके रखा हुआ है ना। सो यहाँ तक पूरा ऐसा हो रहा है, मतलब जमा करके रखा हुआ है, इसको बाद में 100 गुसी ऐसा यहाँ पे हो जाएगा ना तब उसको बांध देगा। और यहाँ पे मामी ने अभी उसको वो कर रहा है, पानों को गुसी गुसी कर रहा है। यहाँ पे देखिए पापा अभी पानों को गुसी गुसी करके यहाँ पे रख रहा है और जब 100 गुसी ऐसा हो जाएगा तब उसको बांध देगा। चलिए आज दिन भर मैंने जो भी किया, जैसा भी किया, जहाँ भी गया, थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाया और थोड़ा बहुत मैंने नहीं दिखाया क्योंकि थोड़ा बहुत दिखा नहीं सकता हूँ और ये पर्सनल है। और फिलहाल मैंने पूरा वीडियो एडिटिंग करके मेरा कंप्लीट हो गया है, अभी रूम पर मैं बैठा हुआ हूँ। फिलहाल बाहर में पूरा बारिश हो रही है, इतना ज़ोर से नहीं हो रहा है लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा क्या बोलते हैं उसको, जो बारिश को बकरी भगाना का बारिश ऐसा बोलते हैं लोग, जो ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत बारिश गिर रहा है बाहर में। सो बारिश गिर रहा है अच्छी बात है, लेकिन वो सूरज भी निकालना चाहिए। सो सूरज बहुत दिन हो गया है, वो सूरज ही नहीं निकला है यार। सो फिलहाल अभी पूरा वीडियो एडिटिंग करके कंप्लीट हो गया है, कल सुबह ही मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिए।
सो कल मैं बाजार जाऊंगा, बाजार में उसको अपलोड कर दूंगा। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को अभी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम। I just wanna be certain, I don't wanna waste all our time, wondering if we're right, I'm waiting for a sign.